पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के बेलारी थाना पुलिस ने रामकली हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतका के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले का खुलासा एसपी देहात ने प्रेस वार्ता के दौरान किया है। पुलिस लाइन में हुई प्रेस वार्ता में एसपी देहात उदय शंकर सिंह ने बताया कि बीती 12 जनवरी को बेलारी थाना क्षेत्र में रामकली नाम की महिला की हत्या हुई थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने आज उसके बेटे बद्री प्रसाद को गिरफ्तार किया है। बद्री प्रसाद ने दोस्त रणवीर के साथ मिलकर अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए साजिश रची थी और अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिनांक 12 फरवरी को बिलारी थाना क्षेत्र के गांव पीलमपुर पीपरी क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या की सूचना रात्रि 10 बजे दी गई यूपी 100 पर। इस पर थाना बेलारी पुलिस मौके पर पहुंची। इस हत्या की घटना में एक बुजुर्ग महिला की हत्या की गई और दो अन्य लोग घायल हुए थे। पुलिस ने घटना की तहकीकात की गहराई से और घटना की तहकीकात करने पर यह ज्ञात हुआ कि इस घटना में जो वादी था, जिसने 5 अन्य अभियुक्तों को नामजद किया हुआ था, वह वादी ही वस्तुतः अपनी मां का हत्यारा निकला और जिसमें जो अन्य दो घायल हुए थे, एक वादी था, एक उसका साथी था। हमने एक्सपर्ट टीम के माध्यम से राय प्राप्त करके यह स्पष्ट कर लिया कि वह जो दोनों इंजरीज थी, वह इनके द्वारा स्वतः कारित की गई थी। वादी इस घटना का अपने इकबालिया जुर्म में, उसने जो घटना का, जो हत्या करने का, गोली चलाने का जो एंगल बताया, उस एंगल पर जाकर हमने वहां मिट्टी की खुदाई करी। मिट्टी की खुदाई करने पर हमें उस एंगल पर कारतूस से निकला हुआ जो बुलेट था, वह भी वादी की निशादेही पर बरामद हुआ। इस प्रकार से उक्त घटना में फर्जी रूप से नामजद 5 अभियुक्तों की फर्जी रूप से जेल जाने से स्थानीय पुलिस ने अपनी गहराई से छानबीन करके बचाया तथा इस घटना में वास्तविक रूप से रिश्तों को शर्मसार करते हुए मृतिका के पुत्र ने ही उसकी हत्या की, उसके प्रमाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए। इस पर पुलिस के द्वारा नामित अभियुक्त वास्तविक रूप से घटना में सम्मिलित अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस घटना में जेल में बंद एक अपराधी के द्वारा इस घटना का ताना बाना बुना गया। घटना में जो प्रथम दृष्टया नामजद अभियुक्त थे, उनसे उस अभियुक्त की रंजिश थी और यह जो दो मृतिका का पुत्र और मृतिका के पुत्र का जो साथी, जो इस घटना के वादी और गवाह थे, वह तीनों एक साथ जेल में बंद थे और इन तीनों ने षड्यंत्र करके नामजद अभियुक्तों को फंसाने के उद्देश्य से यह घटना कारित किया गया, ऐसा अब तक की छानबीन से प्रकाश में आया है। तो सर, पुरानी रंजिश थी जिसके वजह से इनको आपस में फंसाने? जी हाँ, इसमें पुरानी रंजिश इनकी थी पैसों के लेन देन के बारे में, कुछ मुकदमेबाजी की रंजिशें थी जिसके तहत यह इस प्रकार का ताना बाना बुना गया है। इनकी निशादेही पर जो घटनास्थल से थोड़ी दूर पर झाड़ियों में तमंचा फेंका गया था, वो बरामद हुए, कारतूस बरामद हुआ और जो मृतिका को पहले पीठ में गोली मारी गई थी, फिर उसकी बाई कनपटी पर सटाकर गोली चलाई गई थी। जब वह पीठ पर गोली लगने से घायल हो गई और जमीन पर गिर गई थी, तो बाएं कनपटी पर इसमें जो अभियुक्त रणबीर है, उसके द्वारा गोली चलाई गई थी। और अभियुक्त ने अपने इकबालिया बयान में जब पुलिस को यह बात बताई, तो पुलिस ने उस तथ्य की पुष्टि करने के लिए वहां पर जाकर जमीन की खुदाई की और खुदाई के उपरांत पुलिस को वहां से बुलेट बरामद हुआ।